आदर प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद जलील प्रधानमंत्री मुर्दाबाद 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 किसान मजदूर विरोधी प्रधानमंत्री मुर्दाबाद 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 आवाज दो आवाज दो हमें कब दुखी किसान रहेगा नहीं करे। बार बार हमारे जले पे नमक छिड़ रखे हैं, बार बार हमारे गांव को हरा कर रहे हैं, ताजा कर रहे हैं। ऐसे में एमपी एमएलए जो है भारतीय जनता पार्टी करनाल लोकसभा से एमपी है संजय भाटिया और विधायक, मुझे सूचना मिली अभी, हमने इनके घर के बाहर पुतले फूकने जाना था लेकिन घर गए तो वहाँ पता चला ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हैं, जहाँ एक तरफ ये कोविड कोरोना महामारी की कहते हैं वहाँ ये इस तरीके की पब्लिसिटी और अपनी मशहूरी करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तब कोरोना भाग जाता है क्या? इनका विरोध करने के लिए इनके सामने इनके ही प्रधानमंत्री का पुतला फूकने के लिए पानीपत के किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी एक दो मिनट की बात है, एक दो मिनट में देख लेना सैकड़ों की संख्या में हज़ारों की संख्या में किसानों का जनसैलाब इनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पहुँचेगा। कार्यक्रम आज पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर पुतले फूके गए हैं गांवों में और कस्बों में और शहरों में, तो पानीपत जिले में सबसे ज्यादा संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान का मतलब पूरा पूरा फर्क पड़ा है। अभी कोई कार्यक्रम गांव में भी करके आए हैं? बिल्कुल, अभी हमने जैसे पानीपत जिले की मैं आपको मैं ही चार प्रोग्राम में तो हम जितने साथी हैं वही चले गए, बाकी अब मतलोड्डा में भी पुतला फूका गया, समाड़का में फूका गया, गांव बबैल राजाखेड़ी चंदोली खुदपुरा वहां पुतला फूका गया, सापुर गाँव से जो बिल्कुल अंतिम छोर पे है जिले के वहां से शुरुआत की गई, इसराणा पुतले फूके गए हैं, कारद में पुतले फूके गए, हर जगह पुतले फूके जा रहे हैं। बाकायदा सब साथी जो हैं फ़ोन कर करके हमें सूचना दे रहे हैं। एक बार बात करियो, गुरनाम सिंह चडूनी का बयान आया है और वो यूपी में सक्रिय होने जा रहे हैं, जिस तरह राकेश टिकैत है वो बिल्कुल आज जो है सरदार गुरनाम चडूनी जी राष्ट्रीय नेतृत्व उन्होंने अपना साबित कर दिया और अन्य प्रदेशों के भी लोग उनके नेतृत्व से, उनकी लीडरशिप क्वालिटी से, उनके ईमानदारी और संघर्ष और जज्बे से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने का किसानों ने मन बनाया, तो ये तो बहुत हम स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य कदम है। तो पानीपत से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो पानीपत मेयर है अवनीत कौर, उनको ऑफिस के बाहर ही किसानों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, काले झंडे भी इनके द्वारा दिखाए जा रहे हैं लगातार लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि आज किसानों के द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है, कई जगह पर जो है पुतले फूके जा रहे हैं, पानीपत की लाइव तस्वीरें से आप देख पा रहे हैं किस तरह से किसान किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ इस चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है किसान एकता जिंदाबाद 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 करनाल का एमपी संजय भाटिया मुर्दाबाद 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 पानीपत ग्रामीण एमएलए मईपल डांडा मुर्दाबाद 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 शहरी एमएलए प्रमोद बीज मुर्दाबाद 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पानीपत जो मेयर अवनीत कौर है उनका ऑफिस और उसके बाहर ही कार्यालय के बाहर ही किसानों को देख सकते हैं किस तरह से गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ा और इनके द्वारा प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और काला दिवस आज किसानों के द्वारा मनाया जा रहा है, कई जगहों पर जो है पुतले फूके जा रहे हैं और उसी श्रेणी में पानीपत में भी आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से किसानों के द्वारा पुतले यहाँ पर फूके जा रहे हैं, लाइव तस्वीरें पानीपत से आप लोग देख पा रहे हैं, सरकार विरोधी नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लगातार किसानों की संख्या जो है यहाँ पर वो बढ़ती जा रही है और लगातार नारेबाजी लगाते हुए किसान अपना रोष यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि पानीपत मेयर अवनीत कौर के ऑफिस के बाहर ही जो है किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस प्रशासन भी जो है यहाँ पर किला बना हुआ है और लगातार देख सकते हैं किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है नारा लगा लगा कर। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का 6 महीने पूरा तो है लेकिन अब तक जो है किसानों की मांगे सरकार के द्वारा मानी नहीं गई है और लगातार किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं
लगता है मेरी तरह बात कर रहा है उसी भी तरह कहीं किसानों को जो कहीं बात कर रहा है इस्तीफा दिया गया और किसान लगातार सड़क जाम करके और भी अन्य जो है आंदोलन कर रहे लगातार किसानों का जोश जो है वो ठंडा होता हुआ दिख रहा है। आज पानीपत से लगकर से आप देख पा रहे हैं किस तरह से पानीपत मेयर अवनीत कौर के ऑफिस के बाहर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि जब किसान वो यहां पर पहुंच चुके हैं और इनके द्वारा लगातार नारा लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ देर में अभी यहाँ पर पुतला भी फूका जाएगा और काला झंडा आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार तो सिरे हम आपको दिखा रहे हैं चोर चुलम की पानीपत से बन रही आप लोग हमारे साथ और पानीपत से भारतीय किसान यूनियन के प्रधान है जिला प्रधान जो है सुधीर जाखड़ वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनके द्वारा जो है उन्हीं के नेतृत्व में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार सरकार विरोधी नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और लगातार जो है विरोध इनका जारी है। अभी फिलहाल जो पानीपत के विधायक हैं उनके लिए जो है रोष लगातार प्रकट किया जा रहा है और नारे भी जो है लगातार इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं और काले झंडे लेकर किसान यहाँ पर पहुँचे और पुतला भी फूका जाएगा। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगातार मौजूद है और नज़र बनाए हुए हैं और पानीपत मेयर जो अवनीत कौर हैं उनके ऑफिस के बाहर ही किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें पानीपत से आप देख पा रहे हैं और बता दें कि आज किसान आंदोलन को 6 महीने हो चुके हैं और किसानों के द्वारा आज काला दिवस मनाया जा रहा है। कई जगह पर जो है पुतले फूके जा रहे हैं। आज से ठीक 6 महीने पहले जो है किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जो किसान आंदोलन है वो कहें रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि अभी तक जो है किसानों की मांगे सरकार के द्वारा मानी नहीं गई हैं लेकिन किसानों का हौसला जो है वो कम होने पर नहीं है। कई मौसम जो है किसानों ने इस बीच देख लिए और कई तरह की जो समस्याएं हैं वो भी किसानों को देखने को मिली लेकिन जो किसान है वो अपनी मांगों पर लगातार बने हुए हैं। लगातार इनके द्वारा जो है कभी हम बात करें अगर रोड जाम भी किया गया और जिट रोड भी कई बार जाम किया गया और रेल भी जो है कई बार रोकी गई थी इनके द्वारा। तो लगातार प्रयास किसानों के द्वारा किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है सरकार के द्वारा किसान अपनी मांगों को मनवा सके और उसी श्रेणी में आज किसानों के द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है और पुतले भी जगह जगह पर फूके जा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में की बात हम अगर करें। और अब पानीपत की तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं पानीपत मेयर अमित कौर के ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी किसान पहुँच चुके हैं और यहीं पर जो है किसानों के द्वारा कुछ देर में पुतला फूका जाएगा और किसान जो है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और पुलिस प्रशासन भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। अब कुछ ही देर में जो है पुतला भी यहाँ पर फूका जाएगा उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। नमस्कार पानीपत से मैं रविंद्र आर्या।